नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह डी भारत न्यूज़ चैनल। जैसा कि अभी पंचायत चुनाव चालू हैं, जो पिछले दिनों अभी एक लिस्ट आरक्षण लिस्ट जारी हुई थी करके 2015 का बेस मानकर आरक्षण नीति नई लागू की है अभी, तो उसको देखते हुए तालिग्राम ब्लॉक की आज हम लिस्ट आपको बताएंगे कि किस सीटों पर किसकी दावेदारी होगी, या OBC होगी या जनरल की होगी या अनारक्षित, जो भी सीटें जो आरक्षण के तहत 2015 के बेस से उठाई गई थी उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं पिछली सूची के अनुसार, तो वो हम आपको बताएंगे। सबसे अटकलें लगाई जा रही थी, एक सीट थी रायपुर, बुलंदपुर और मछपुरबा और डुंडवा और मलिकपुर, इन सीटों को लेकर काफ़ी संग्राम चल रहा था। बुलंदपुर के जो वहाँ के जो मतदाता थे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे मात्र 8 वोट थे, मगर वहाँ जो सीट थी वो OBC कर दी गई थी, जिसके तहत वहाँ जनरल वोट ज़्यादा है, इसके चलते वो लड़ नहीं सकते थे। लेकिन अब हम आपको उसमें चेंज हो गया है, वो हम आपको पढ़ के बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं, अमोलर की जो सीट थी वो अभी जो सीट 2015 के अनुसार आई है अमोलर की, वो अनुसूचित जनजाति स्त्री के लिए आई है, अनुसूचित जाति स्त्री के लिए। और अमरौली की जो सीट है तालिग्राम ब्लॉक की, अमरौली की सीट पिछड़ा वर्ग, इसमें पिछड़ा वर्ग की हुई है अमरौली में। और अनिबोध जो सीट थी वो अनुसूचित जाति में पहुंच गई है, यानी कि अनुसूचित जाति में पहुंच गई वो सीट अनिबोध की। और वहीं पे असौलिया जो है अनारक्षित कर दी गई है, अतरौली अनारक्षित कर दी गई है, और बबरापुर मखदूमपुर ये भी अनारक्षित सीट कर दी गई है। उसके बाद हम आते हैं बमरौली, बमरौली में पिछड़ा वर्ग की सीट कर दी गई है, और भैंसियापुर जो लगता है तालिग्राम का एक गांव ग्राम सभा, वहां पे सीट अनारक्षित कर दी गई है। उसके बाद भवानी सराय में पिछड़ा वर्ग स्त्री के लिए रखा गया है, और वहीं पे भुड़ा जो सीट थी वो अनुसूचित जात के लिए कर दी गई है। बुलंदपुर की सीट जो इस पर काफ़ी संग्राम चल रहा था बुलंदपुर की सीट के लिए, वो अनारक्षित कर दी गई है। फिर उसके बाद ब्राहिमपुर निजामपुर की सीट अनारक्षित कर दी गई है, बिरौली की भी अनारक्षित कर दी गई है, चांदपुरा की सीट भी अनारक्षित कर दी गई है, डुंडवा बुजुर्ग जो सबसे बड़ी ग्राम सभा बोली जाएगी तालिग्राम ब्लॉक की, वो भी अनारक्षित कर दी गई है। वहीं पे गदौरा नाम की जो ग्राम सभा है वहाँ की सीट भी अनारक्षित कर दी गई है। और दूसरे पेज में हम जानेंगे कि गदनापुर काजी ये भी सीट अनारक्षित कर दी गई है, गंदौलिया की सीट पिछड़ा वर्ग के लिए रखी गई है, गंगागंज गरौली यहाँ पे स्त्री की सीट कर दी गई है, कोई भी स्त्री किसी भी समुदाय की स्त्री इसमें लड़ सकती है। वहीं पे ज्ञानपुर की सीट पिछड़ा वर्ग के लिए रखी गई है, इंदुया की सीट पिछड़ा वर्ग, और रजला जरामऊ अलमापुर की सीट भी पिछड़ा वर्ग के लिए रखी गई है। उसके बाद जुनैदपुर की सीट पिछड़ा वर्ग के लिए रखी गई है, खाणदेवर की सीट स्त्री लड़ सकती है इसमें किसी भी समुदाय की। फिर उसके बाद किशनपुर जो सीट रखी गई है वो अनुसूचित जाति की स्त्री के लिए रखी गई है। उसके बाद लालपुर की सीट अनारक्षित कर दी गई है, और लाड़पुर की सीट अनारक्षित कर दी गई है, और उसके बाद सीट आती है लाड़पुर की सीट पिछड़ा वर्ग के लिए रखी गई है, मोहना की सीट अनारक्षित कर दी गई है, मछपुरबा की सीट भी अनारक्षित कर दी गई है, और मलिकपुर जो ग्राम सभा लगती है तालिग्राम ब्लॉक की, काफ़ी फेमस ग्राम सभा है मलिकपुर, वो भी अनारक्षित कर दी गई है, पिछली बार भी अनारक्षित थी। उसके बाद मौरा की सीट अनुसूचित जाति स्त्री के लिए रखी गई है, और मुंडाला की सीट भी अनारक्षित कर दी गई है। फिर उसके बाद नंबर आता है नेपालपुर की सीट भी पिछड़ा वर्ग स्त्री के लिए रखी गई है। उसके बाद रसूलपुर की सीट अनारक्षित कर दी गई है, सलेमपुर की सीट पिछड़ा वर्ग के लिए रखी गई है, और रोहली की सीट भी पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जात के लिए रखी गई है। और लास्ट में आता है तालिग्राम देहात, उसकी सीट अनारक्षित कर दी गई है, सराय दौलत की सीट अनुसूचित जात स्त्री के लिए रखी गई है, तेरा जाकिट की सीट अनुसूचित जात के लिए रखी गई है, और लास्ट में आता है ऊँचा की सीट स्त्री के लिए रखी गई है। तो कुल मिलाकर ये काफ़ी फेर बदल हुआ है। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत। नमस्कार।